हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे हैं मोटो व्लॉग्स। तो चलते हैं माइंस में और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। वैसे तो अप्रेंटिस वाले बहुत जोर शोर से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उन्हें नौकरी रेगुलराइज हो जाए, मतलब रेगुलर हो जाए, उन्हें कुछ पैसा मिले। और भाई बेरोजगारी तो बढ़ ही चुकी है। तो अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो एक सीसीएल में पेज, मतलब फेसबुक में पेज है एक्चुअली, कि क्या बोलते हैं सीसीएल अप्रेंटिस करके, उसको आप जाके चेकआउट करो। और भी बहुत सारा पेज है, एक दो पेज और भी है, मैंने सर्च किया है पर मुझे मिला नहीं। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अंत तक देखना था, वीडियो पूरी अंत तक देखना कि आपको अच्छा लगे। तो चलते हैं माइंस में, आज के लिए कोई खास न्यूज़ नहीं है, वही बंदी बंदी है। तो चलते हैं माइंस में। तो गाइस, वो फायर ब्रिगेड आज फिर आया है, मतलब अब तो आदत सा हो गया, लगता है ना आएगा। तो आज फिर आया है, आज मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, देखता हूँ क्या देखने को मिलता है। मतलब अभी एलएनटी 300 को वो रेडिएटर को साफ करेगा, तो मतलब बात तो ऐसा ही है। और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। ये डोजर BD-155 का पावर कम रहता है एक्चुअली BD-355 के मुकाबले। और वो जो तुम देख रहे हो ट्रक, वो एक्चुअली डीजल टैंक है। आदमी अभी भी अपने हाथ से ही भरते हैं डीजल, बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको अच्छा लगे हो माइंस देखना या माइंस का काम, ज़रूर लाइक करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। टैंक वैंक देखने की क्या जरूरत है, यहाँ इतना बड़ा मशीन की टैंकी जो चलता है, बस उसमें एक गोला रहता है, डॉलर है, बकेट खरीदा है, हरी हरी बकेट है, आवाज में टैंकी टाइप का करता है। तो ये वहाँ गया है दमकल, दमकल हवा सेंटर कोलफील्ड लिमिटेड, मतलब सेंट्रल, मतलब सीसीएल, ये भी सब रखा है अपने अंडर, बहुत अच्छी बात है। ये सब का भी वैकेंसी नहीं निकल देगा तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, कैसा लगता है आपको मेरे वीडियो देखने में, आप जरूर बताइएगा। वैसे मैं क्लोज लुक दे देता हूँ आपको इसमें क्या क्या है। वैसे मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, तो दो वॉल्व्स है और भी कुछ कुछ है, वो तो उतना पता नहीं है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। मैं एक बार ऊपर दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये देखिए, ऊपर में यही सब है और नीचे में भी यही वॉल्व भी सब है। अगर आपको कुछ भी इसके बारे में पता है तो ज़रूर बताइएगा मेरे को। वैसे अभी देखते हैं क्या देखने को मिलता है। और आप भी एकदम लास्ट तक बने हुए रहिएगा कि आखिर कैसे साफ होता है। हमको तो लगता है ऊपर में जो गन है उससे साफ होगा। हाँ, उसी से साफ हो रहा है एक्चुअली। इस साइड इंजन का, मतलब जिस तरफ से हम दिखा रहे हैं, सामने आपके जो सीधे में है जहाँ पे पानी नहीं लग रहा है, वहाँ पे इंजन का रेडिएटर फैन है और उधर पंप का रेडिएटर, मतलब कूलेंट फैन है, मतलब फ्लूइड को ठंडा करने वाला, तो उसी को साफ किया जा रहा है। वो एक्चुअली में बहुत गंदा हो गया है और भाई वो ज़मीन से नीचे, वो मतलब चक्का के सामने ही रहता है तो वो ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। देख नहीं रहे हो मशीन कितना ख़राब हो गया है, मतलब पुराना हो गया है। पूरा अच्छा सा प्रेशर क्यों नहीं दे रहा है, कुछ होगा अगर फट वुट जाएगा तो, इसीलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जा रहा। ये हमारे फॉरमैन है, फॉरमैन का नाम है DN सिंह सर। ये डायरेक्शन दे रहे हैं, पूरा बता रहे कैसे कैसे करना है काम, कैसे कैसे नहीं करना है। वैसे ये वीडियो, इसको भी मैं फास्ट फॉरवर्ड ही रखूँगा जैसा कि मेरे को पता है। और अब पूरी गाड़ी धुआते हुए, पूरा नहीं धुलाएगा लगता है, धुलाएगा भी तो
तो हेलो गाइस, तो आपने देखा कि कैसे एलएनटी का हाइड्रोलिक पंप को साफ किया गया। वैसे ये मेरा रूम जाने का रास्ता है, ये मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में नहीं दिखाया, ऊपर आज दिखाता हूँ। ये एक्चुअली मेरा दोस्त एक सुनील उरा वो रिकॉर्ड कर दिया था, तो मैं सोचा क्या बार बार वही रास्ता दिखाऊँ आपको, तो यही दिखाता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक आप बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और ये मैकलुस्की गंज है, मतलब अभी तो हम लोग सालंग में हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना ही रहेगा आज के व्लॉग्स में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सपोर्टिंग मी।